हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग जाने वाले हैं मुंबई के जो जो फेमस गणपति है वो देखने के लिए। तो बने रहिए गणपति बप्पा। जूनी प्रभा देवी सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडल, यहाँ से अभी हम लोग शुरुआत करेंगे गणपति बप्पा। सेकेंड गणपति आदर्श नगर सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडल, ये अभी देखेंगे। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं प्रभा देवी का महागणपति देखने के लिए। ये सभी गणपति दादर में स्थित प्रभा देवी में है। अभी हम लोग आ चुके हैं प्रभा देवी का राजा, मतलब जो प्रभा देवी का राजा है वो देखने के लिए आ चुके हम लोग। ये भी दादर में स्थित प्रभा देवी में है। सभी गणपति आपको देखने को मिलेंगे अगर आप प्रभा देवी में आएंगे तो। गणपति बप्पा। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं खेड़ गली में और आप ये गणपति देख सकते हो और डेकोरेशन देख सकते हो, पूरा महादेव का किया हुआ है। बहुत ही सुंदर डेकोरेशन है और अगर आपको ये पूरा देखना है तो आप प्रभा देवी में विजिट करिए। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं दत्तारावल मैदान सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडल। तो अभी हम लोग अंदर जाएंगे और मैं आपको गणपति की मूर्ति दिखाता हूँ। यहाँ ये भी हमारे एरिया में ही लोकेटेड है ये मंडल और आप यहाँ पर देख सकते हो फनफेयर भी लगा हुआ है। तो अभी हम लोग आ चुके हैं बाल मित्र मंडल सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडल। अभी अंदर जाएंगे। तो अभी जो ये गणपति है ये हमारा फ्रेंड मयूरेश पाटिल वो बनाते हैं। बप्पा बप्पा मोरिया गणपति बप्पा सुखी देव गणपति बप्पा मोरिया। तो आ चुके दादर का राजा देखने के लिए। अभी अंदर जाएंगे, आपको गणपति का दर्शन देता हूँ। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। तो ये दादर का राजा है, देख सकते हो आप। तो आ चुके विद्यार्थियों राजा देखने के लिए और गणपति आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं और अभी हम लोग दर्शन करेंगे। और एक गणपति देखने के लिए जा रहे हैं अंदर। हमारे दादर में बहुत सारे गणपति है, दादर प्रभा देवी माटुंगा एरिया में। अभी ये दिख रहा है ये फिरता रथ, मतलब ये आपके घर के यहाँ पे आएंगे और उसमें आप विसर्जन कर सकते हो गणपति जी का। अभी हम लोग और एक गणपति देखने के लिए आए। डेकोरेशन देख सकते हैं बहुत ही प्यारा बना है। हम लोग आ चुके हैं, 74 ईयर हो चुके हैं गणपति को और आप नाम पढ़ सकते हो गंगा निवास गणपति महापूजा सोसाइटी। ये सोसाइटी का गणपति है और अभी हम लोग हैं माटुंगा में और माटुंगा में हम लोग सारे गणपति देख रहे हैं। वाह, आप गणेश जी की मूर्ति देख सकते हो, बहुत ही प्यारी है। अभी हम लोग आए हैं माटुंगा में और गणपति देख रहे हैं, बहुत सारे गणपति है यहाँ पर।
और अभी और एक पंडल में आ चुके हैं जिसका नाम है मातुंगा विघ्नहर्ता मंडल। गणपति आप देख सकते हो सामने ही गणपति मेरे, और यहाँ पर ऐसा डेकोरेशन किया है देखिए, केदारनाथ, रामेश्वर, कृष्णेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, सब शंकर जी के मंदिर से यहाँ पे। ये माटुंगा फ्लावर मार्केट का गणपति, और पूरा आप देख सकते हो डेकोरेशन ही पूरा ओरिजिनल फ्लावर्स रखे उसके। तो अभी हम लोग और एक गणपति देखने के लिए आ गए हैं, ये भी माटुंगा में ही है। पूरा आप अगर माटुंगा में विजिट करेंगे तो बहुत आपको ऐसे गणपति सार्वजनिक मंडल मिल जाएंगे। यहाँ पे मिसल पाव भी हम लोग को प्रसाद में मिल चुका है, आप लाइन देख सकते हो मिसल पाव खाने के लिए, और यहाँ पर मंडल जिन्होंने मिसल पाव रखा है। हम लोग माटुंगा में, और माटुंगा के मैं पूरा गणपति दिखा रहा हूँ, माटुंगा दादर और प्रभा देवी। मंगल मूर्ति, ये जो गणपति देखा है माटुंगा करपनायकर, ये गणपति है गणपति बप्पा मोरिया। तो ये अंकल है, இது கூட ஸ்பெஷல் வந்து இந்த பிரசாதம் வந்து பைனாப்பிள் சீரா வந்து அதுக்கோசம் தூர் தூரம் வராங்க, வசை மீரா ரோட் ரொம்ப தூரம் தான் இந்த பிரசாதம் கோசம் ஸ்பெஷலாக வருவாங்க, அதே சந்தனம் திருநெல் கோசம் வருவாங்க, ரொம்ப சந்தோஷம் இருக்காங்க. இந்த சேனல் எப்பவுமே பார்த்துனே இருங்க, இந்த சேனல்ல உங்களுக்கு எல்லா நியூஸ் கிடைக்கும், எல்லாம் நல்லபடி இருப்பாங்க. तो अभी हम लोग और एक गणपति देखने के लिए आए, सनशाइन टावर प्रगति क्रीडा मंडल। तो अभी हम लोग अंदर जाएंगे प्रगति सेवा मंडल। तो अभी हम लोग माटुंगा से आ चुके हैं वडालाचा मोरिया देखने के लिए, और गणपति आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर है गणपति बप्पा मोरिया। तो अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं, गणपति आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर है। तो अभी हम लोग आ चुके हैं एंटोफिल्स का लाड़का देखने के लिए, गणपति की मूर्ति देख सकते हो बहुत ही सुंदर है। हम लोग और एक गणपति देखने के लिए मुंबई का इच्छा पूर्ति, ये भी एंटोफिल में ही है, और अंदर अभी जाएंगे अभी देखेंगे गणपति जी। वाह, आप गणेश जी की आप मूर्ति देख सकते हो बहुत ही सुंदर है, गणपति बप्पा गणेश जी की मूर्ति बहुत ही सुंदर है और बहुत ही प्यारी दिख रही है। गणपति बप्पा मोरिया। तो अभी हम लोग मुंबई से इच्छा पूर्ति जो कि एंटोफिल में है, तो मैं जैसे कि मैंने बोला हम लोग मुंबई के पूरे गणपति दिखाने वाले, तो उसमें से एक ये एक मंडल था। तो अभी आप लोगों को ये वीडियो मैंने दिखाया, तो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट मंडल। तो अभी हम लोग आ चुके हैं एंटोफिल सा राजा देखने के लिए, और अभी अंदर जाएंगे, और आपको मैं पूरा वाव, आप ये देख सकते हो गणेश जी की मूर्ति देख सकते हो बहुत ही प्यारी, गणपति बप्पा मोरिया। हम लोग आए और एक गणपति देखने के लिए, ये वडाला में अभी हम लोग। तो अभी हम लोग आ चुके हैं परेल में, और परेल में आपको गणपति दिखाऊंगा मैं। तो अभी हम लोग आ चुके हैं परेल सा इच्छा पूर्ति, ये गणपति मंडल में, और अभी मैं आपको अंदर जाके गणपति दिखाऊंगा। तो जैसे मैंने बोला था मुंबई के गणपति, तो पूरे मुंबई के गणपति जो मेन मेन थे वो मैं कवर कर रहा हूँ। तो अभी हम लोग आ चुके हैं परेल के सम्राट गणपति देखने के लिए, और अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं।
अभी जो आपको सामने दिख रहा है ये लालबाग का राजा का लाइन है, जो आपको सामने ये वाला दिख रहा है, ये जो नवस वगैरह पे लेते हैं वो ये लाइन है, देखिए सामने मेरे, ये मैंने ऊपर से निकल रहा हूँ। और कल हम लोग जाएंगे लालबाग के राजा देखने के लिए, तो वो अलग ब्लॉग रहेगा। मैं अभी खाली आपको ऊपर से दिखा रहा हूँ कैसा लालबाग रहता है। जो आपको दिख रहा है ये लालबाग के राजा का मेन गेट है, और यहाँ से लालबाग का राजा विसर्जन के लिए बाहर निकलता है। और कल मैं यहाँ से ब्लॉगिंग आपको अंदर का भी दिखाने वाला हूँ, कल मैं जाने वाला हूँ। और आप लालबाग देख सकते हो कैसा पूरा भरा हुआ होता है। और ये शंकर जी का मूर्ति, और अभी जो सामने आपको दिख रहा है यहाँ पर ही लालबाग का राजा बैठता है। और आप भीड़ देख सकते हो कितना भीड़ होता है देखिए। और पग परेल आप लोग देख सकते हो, गणेश उत्सव में पूरा भीड़ ही रहती है, पूरी भीड़ ही भीड़ है। और यहाँ पर लालबाग का राजा का मंडल है, मैंने आपको दिखाया वैसे। और ये नवस वाला लाइन है अंदर जो आपको दिख रहा है ये वाला, और इसके अंदर मुख्य दर्शन का लाइन रहता है। तो अभी ये चिंतामणि का चिंतपोखरी है, सार्वजनिक उत्सव मंडल, ये भी हम कल दिखाएंगे नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। तो ये खाली एंट्रेंस है, अभी अभी हम लोग गणपति देख के हो चुका है, और थोड़ा अभी पेट को थोड़ा पेट पूजा करेंगे। सो दिस वॉज द डे, आज हम लोग गए थे पूरे मुंबई के गणपति हम लोग घूम के आ गए। तो अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।